आवाजें भी आई है, कौन कैद हो गया है, कहाँ पटाखे फूट रहे हैं, हम बेसिकली नीलम को ढूंढ रहे हैं, नीलम ना मिल नहीं रही है। तो उसका फ़ोन जब ट्रैक होता है तो पता चलता है वो माधव के घर पे है। जब हम माधव के घर पे आते हैं तो वो वहाँ पर नहीं है, एंड इट्स लाइक कि सबको ऐसा लग रहा है कि नीलम कृष को लेकर कहीं चली गई है। सो यहाँ पर माधव और रूपाली, जो माधव की वाइफ है, वो भी काफ़ी हाइपर है। ऑब्वियसली कृष नहीं मिल रहा है, एंड रूपाली एक मतलब ऐसे कंटिन्यू बोले जा रही है कि मुझे मेरा कृष चाहिए, अगर उसे कुछ हो गया तो देख लेना, दिस दैट, मैं पुलिस को बोल दूँगी। सो देयर इज अ सडन चेंज इन हर बिहेवियर, एंड ऑल्सो फैमिली मेम्बर्स के मतलब माधव की जो फैमिली मेम्बर्स है उनके बिहेवियर में भी थोड़ा चेंज है। मतलब एवरीबडी सपोर्टिंग रूपाली रादर देन सपोर्टिंग माधव। तो ऐसा है कि एक दिन में सडनली कोई ऐसे एकदम ऐसे कैसे यू नो साइड चेंज कर लेता है। एंड रूपाली पेपर्स दिखाती है कि मैंने अपना घर मतलब उनका घर अब उसके नाम कर दिया है। क्रिश की कस्टडी के पेपर्स भी उसके पास है, मीन लाइक शी हैज़ द राइट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो थोड़ा सा ब्लैकमेल कर रही है बेसिकली, एंड हाँ थोड़ा ड्रामा कर रही है। सल्तनत और ज़ारू टू पावर एक साथ है, तो क्या क्रिश को ढूंढ पाएंगे, नीलम को भी रंगे हाथों पकड़ पाएंगे? नीलम क्रिश को ऐसे कुछ किडनैप तो ऑब्वियसली नहीं, नीलम है वो ऐसे कैसे कुछ भी करेगी। बट फाइनली वो हमें हमारे घर में ही मिलती है, वो क्रिश को बचाने के लिए लेकर आ गई होती है हमारे घर में। बिकॉज रूपाली जिसको हम बहुत जेन्युइन समझ रहे हैं, स्पेशली मी, शी इज़ नॉट जेन्युइन एज इन यहाँ पर किसी मोटिव से आई है और सबको हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रही है। सो इसीलिए नीलम क्रिश को लेकर चली जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा, आप सब आए, आप सब ने केक लाए। नो बट दिस वन्स अ प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे कल है। सो जब प्री बर्थडे ऐसा होता है और बर्थडे के लिए वाइफ ने सरप्राइज प्लान किया होता है, देन यू कैन जस्ट बर्थडे परसों है सॉरी, तो आप सोच सकते हो कि बर्थडे कितना रॉकिंग सा होगा, रॉकिंग सा होगा। हाँ तो पर आप लोग थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू। सरप्राइज है ये मुझे पता है, क्योंकि ये उन्हें बताना पड़ा, क्योंकि छुट्टियां डालने के लिए बोला था उन्होंने एक महीने पहले, माय वाइफ हैड टोल्ड मी। तो बिकॉज़ शी सेड, मैंने कर दिया। अब उसने बोला कि आगे कुछ मत पूछना, आई सेड फाइन। ओके, बर्थडे की कितनी एक्साइटमेंट होती है हमेशा आपको? बहुत ज्यादा। बर्थडे का एक्साइटमेंट या एक रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है कम होती रहती है। बट हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं और आपके लिए विशेस भेजते हैं, दैट इज़ अ ग्रेट जेस्चर फ्रॉम ऑल द फैंस, फ्रेंड्स एंड ऑल। कोई ऐसे गिफ्ट जो आपके सबसे ज़्यादा बर्थडे का स्पेशल? बर्थडे के बहुत सारे ऐसे गिफ्ट हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी बार भी मैंने फ़ोन बदले हैं वो गिफ्ट्स में ही बदले हैं। हाँ, हाउ लकी यार, दैट वे आई एम वेरी लकी, तो उसका खर्चा नहीं करना पड़ता। मैं तो मेरे को तो खरीदने पड़ रहे हैं, देयर इज नोबडी टू गिफ्ट मी अ फोन यार। नेक्स्ट बर्थडे समबडी प्लीज कीप इन माइंड टू गिफ्ट मी अ फोन। अब मैं क्या बोलूं। और हाँ, जो कुछ सरप्राइज पार्टीज हुई है मेरे बर्थडे पे, वो बहुत यादगार रही हैं, तो वो सब याद रहती है। यार ऐसा नहीं है कि बर्थडे है तो आप किसी की तारीफ करो, मुझे इन जनरल पे अगर कोई पूछेगा तो आई हैव रियली गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम, बिकॉज मैं पहली बार इनके साथ हम काम कर रही हूँ, एंड इट्स रियली नाइस टू यू नो वर्क विद समबडी हु इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी अ वेरी गुड को एक्टर टू वर्क विद। मतलब कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एंड इवन इफ यू हैव सर्टन प्रॉब्लम्स वी ऑलवेज मेक श्योर दैट यू नो वी डिस्कस एंड देन यू नो वी सॉल्व सर्टन थिंग्स इन लाइक, अगर हम कुछ चीज़ें खुद से कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं डिस्कस करके। सो आई थिंक those things really matter to you know sort of create a bonding and a nice cordial professional relationship, to wo ek bahut achhi cheez hai, and it's give and take, dono taraf se acha hota hai, matlab how was the first day when you meet?
It was decent. मैं बेहोश थी first day when we were shooting together. Scene में. So ऐसा मेरी तरफ से मुझे कुछ काम नहीं करना था. He was supposed to lift me up and then you know. But it was nice. जैसा हो सकता है like a nice first. मैं लेकिन काफी conscious था. I remember क्योंकि हम आग वाला कुछ scene कर रहे थे and sweaty वगैरह ये सब था तो मैं बोला भाई please excuse me पर जो भी but yeah मजा आ रहा है यहाँ पे काम करके it's really fun working with her even with all other co-actors also everybody's good. Okay विजेंद्र social media में तो अभी birthday wishes ही आ रहे होंगे आपके लिए कितने wishes आ रहे हैं और कितने fans से प्यार मिल रहा है अभी तो countdown हो गया है countdown चल रहा है और हाँ wishes आ रहे हैं बहुत अच्छे बहुत प्यारे messages आ रहे हैं and बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे प्यार भरे मैसेजेस विशेस आते हैं यू फील स्पेशल यू नो इट्स आल्सो इट फील्स वेरी गुड बिकॉज़ आपके बर्थडे के लिए आपके अलावा देयर आर सो मेनी पीपल हु आर मोर देन मोर एक्साइटेड देन यू यू आर सो आई थिंक दैट जस्ट मेक्स अस वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड यू नो प्रिविलेज्ड कि वी हैव दिस काइंड ऑफ लव इन आवर लाइफ ओके लास्ट वीक क्या कहना मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ जितना आप करते हैं उतना ही आई लव यू ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस एंड ऑलवेज वाचिंग माय शोज एंड सेंडिंग मी सच गुड मैसेजेस एंड विशेस ऐसे ही प्यार बनाए रखना बस यही चाहता हूँ मैं थैंक यू सो मच ठीक है गगन ये के बाद साइड में आता भाई एक कसा घेतो संजीव बोलना बाबा अरे आ जाओ रे सब तरी मैं तुझी लाइट बंद कर आम चले वन स्टेप जास्त नको आम अरे अरुणा अरुणा हम भी कर रहे हैं बाजू जाओ पीछे आके करो ना हिंदी में अरे सर जी सर जी थोड़ा सा सर जी अरे अरे तेरा नेम खाना है गेला गेला ना बरो संजू Dear Vijendra, I'm trying to surprise him. His name.
अरे सर जी, सर जी थोड़ा सा सर जी, अरे अरे यार तिला मेन खाला गेला गेला ना बरोबर करायला सांगतो.